हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? तो आज हम आए हुए हैं डेलहाउसी यूनिवर्सिटी। तो आज हम पूरी टूर करेंगे डेलहाउसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसी होती है, प्रोफेसर कैसे होते हैं, पढ़ाई करने के बाद आगे इंटर्नशिप या कोऑप के लिए क्या ऑप्शन है, यहाँ पे हैलिफैक्स में जॉब मार्केट क्या है, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब का क्या ऑप्शन है, पढ़ाई के साथ साथ क्लब्स वगैरह सोशलाइज क्या क्या इवेंट होती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी कौन कौन सी डेलहाउसी में ऑफर करते हैं, सारी डेलहाउसी की बिल्डिंग्स है, सब कुछ आज हम टूर करने वाले हैं उसकी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड अगर अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। मेरा अभी पर्सनली मैं अभी 320 के अराउंड दे रहा हूं। बस सिर्फ 320 क्योंकि हमारी लिस्ट पुरानी है, उन ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो आप सीधा ही उनको लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, और पीपल काफी फ्रेंडली होते हैं यहां पे, तो भी काफी सारी अच्छी जगह है। तो मतलब अगर असाइनमेंट वगैरह करना है तो एनओसी चाहिए होता है यूनिवर्सिटी से, तो वो सब लेने के लिए भी आप इंटरनेशनल सेंटर जा सकते हो, वो आपको ठीक से गाइड करेंगे कि क्या करना है। तो आज हमारे साथ ध्रुविल भाई है, ये अभी थर्ड टर्म में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो आज वो हमें पूरी टूर कराएंगे। तो आज आओ चलो उनसे मिलवाता हूँ। ये ध्रुविल भाई है, वैसे तो ये मेरे बचपन के दोस्त है, स्कूल में साथ में थे, लेकिन अभी आज दोबारा यहाँ पे मिले हैं। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ध्रुविल भाई ये बताओ कि आपने इंडिया में क्या क्या स्टडी किया था, और फिर यहाँ पे डेलहाउसी में कौन सा कोर्स आपने किया? तो इंडिया में मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था सिल्वर ऑक यूनिवर्सिटी से, और अभी यहाँ पे मैं मास्टर ऑफ अप्लाइड कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहा हूँ। तो फिर आपका फीस का क्या सीन था, मतलब फीस कैसे कितनी थी आपकी कोर्स की? तो यहाँ पे पर टर्म फीस अराउंड 10 से 11,000 हो जाती है। तो करंटली मेरे 5 टर्म है, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा कोर्स था। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा कोर्स मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता, तो उस हिसाब से फीस आपकी एडजस्ट होती है। तो नॉर्मल फीस आई वुड से कि 40 से 44,000 के बीच है अभी के लिए, और एक्स्ट्रा कोर्स अगर मिले तो आपकी फीस 50 से 55,000 हो जाती है। तो करंटली मेरी फीस है अराउंड 50 से 55,000 एडजस्ट। सही है, बाकी सारी यूनिवर्सिटी की कंपेयर में ये मतलब सही है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी है ओंटारियो में, जैसे वाटरलू है, उसकी तो मतलब ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इससे राइट मास्टर्स की सारी की, तो ये मतलब लाइक सही है मतलब। तो ध्रुविल भाई अब ये बताओ कि जो आपने फीस कही 40 to 45,000 एवरेज, तो मतलब यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके हो जाती है कि मतलब इंडिया से मंगवानी पड़ती है, क्या सीन है वो? तो अभी IRCC रूल्स के हिसाब से आप फर्स्ट ईयर की फी तो पे करके आओगे। हाँ, तो आपके तीन टर्म की फीस आ गई आप स्टार्टिंग से इंडिया से पे करके आओगे। हाँ। और एक साल पार्ट टाइम वर्क करके आप एक टर्म जितनी तो फीस निकाल लोगे। हाँ। दैट्स फॉर एवरेज जिनको एक्स्ट्रा कोर्स सजेस्ट नहीं हुआ है। हाँ। अब मेरे सिचुएशन में मुझे एक एक्स्ट्रा टर्म करना है। अच्छा। एंड विदाउट ब्रेक, इस कोर्स में आपको समर ब्रेक या ऐसा कुछ मिलता है? अच्छा, तो आपके कोर्स में मतलब फिक्स ही है हर एक बच्चे को, जो भी ये कोर्स लेता है उनको समर ब्रेक आएगी? किसी को कोई ब्रेक नहीं मिलेगी, आपको पूरा कोर्स खत्म करना है। ये थोड़ा वियर्ड है, बाकी सारे कोर्सेज में होता है कि समर ब्रेक होती है। तो इस सिचुएशन में मुझे एक टर्म दो टर्म्स की फीस निकालनी है। हाँ। तो आप एक साल पार्ट टाइम वर्क करके इतना फीस इकट्ठा नहीं कर पाओगे, तो इस सिचुएशन में आपको दिक्कत हो सकती है कि एक टर्म की फीस आपको शायद इंडिया से मंगवानी पड़े, क्योंकि असाइनमेंट वगैरह भी थोड़े वो होते होंगे। तो और इस टर्म में आप 40 आवर्स प्लस भी अगर आपको एलिजिबल हो एज पर द IRCC रूल, फिर भी आप उतना वर्क नहीं कर पाओगे क्योंकि लोड बहुत रहता है। अच्छा, मतलब ऑप्शन ही नहीं है अगर फिर भी अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है फिर भी आपको टाइम ही नहीं मिलता। आपको तो अच्छा क्लासरूम में अंदर गए थे वो शूट करने के लिए, तो अलार्म चल गया। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर संडे है सभी बंद है तो ऐसे ही क्लासरूम में नहीं चले जाना, वरना ऐसे सिक्योरिटी अलार्म ऑन हो जाएगा। तो अभी ध्रुविल भाई कॉल कर रहे हैं सिक्योरिटी को, तो अभी अलार्म ऑफ हो गया है, सिक्योरिटी वाला भाई आ गया है। तो अभी हम यहाँ पे बाहर बैठ के थोड़ा जो सर चार्ल्स टपर बिल्डिंग है उसके बाहर बैठ के थोड़ा बातचीत करते हैं ध्रुविल भाई से, जरा पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस। अभी ये बताओ कि यहाँ पे आपने जो पढ़ाई की जो तीन टर्म, तो आपके प्रोफेसर कैसे थे, मतलब वो हेल्पफुल थे पढ़ाई के टाइम कि मतलब उसका आपका कोर्सेज जो पिक किए थे आपने, जो कोर्सेज की आउटलाइन में जो था उसके हिसाब से मतलब कैसे कोर्सेज कैसे लगे आपको, मतलब इन्फॉर्मेटिव थे पढ़ने वाले अच्छे थे कि क्या था?
हाँ, तो कोर्सेज का इसमें ऐसा हिसाब किया कि 3 कोर्स आपके मैंडेटरी है, वो कोर कोर्स है वो आपको लेने ही पड़ेंगे। अब हाँ, उसमें हर टर्म में अलग अलग प्रोफेसर ऑफर करते हैं वो कोर्स, तो वो जो प्रोफेसर ऑफर करता है वो कोर्स आपको लेने पड़ेंगे, वो 3 मैंडेटरी है उस टर्म के हिसाब से। अभी बाकी के कोर्स इलेक्टिव होते हैं, तो इलेक्टिव कोर्स में वो प्रोफेसर टू प्रोफेसर जाता है कि अच्छा प्रोफेसर कौन सा है और स्ट्रिक्ट कौन सा है, काइंड ऑफ। तो हाँ, तो वो आप अपने सीनियर्स से बात कर सकते हो कि प्रोफेसर कैसा है, उनका कोर्स लेना चाहिए या नहीं। हाँ। या आपका जो इंटरेस्ट है कोर्स में, प्रोफेसर कुछ प्रोफेसर स्ट्रिक्ट होता है, कुछ नहीं होता है, नहीं होते कुछ। हाँ, पढ़ाने में मोस्टली सब प्रोफेसर हेल्पफुल तो होता है, वो आपकी अगर कोई भी आपको इश्यू है, आपको टी एस होते हैं उनसे बात करो, प्रोफेसर से बात करो, वो हेल्पफुल होते हैं उस हिसाब से। अच्छा, लेकिन आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो, सीनियर से बात कर लेनी, पता कर लेना है कि कौन कौन सा कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है कि कोर्स सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर अलग अलग होते हैं वो जो ऑफर करते हैं। तो कुछ प्रोफेसर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, मार्किंग का तरीका अच्छा होता है, तो ऐसे सीनियर से बात करते रहनी है कि कौन सा उनके अकॉर्डिंग सही रहेगा। और अगर आपके मतलब लाइक कॉन्टैक्ट में कोई नहीं है राइट, जिसने वही कोर्स से पास आउट किया हुआ है, ग्रेजुएट हुए हुए नियर टाइम में, तो आप ऐसा कर सकते हो कि लिंक्डइन पे जा सकते हो। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आपको कुछ नहीं करना, वह लिंक्डइन पे जाके सर्च करना है कि ग्रेजुएटेड फ्रॉम द डेलहाउसी कॉलेज, एंड जो आप कोर्स में पढ़ने वाले हो वो कोर्स का नाम लिख लेना है, तो उधर वो शो हो जाएगी कौन ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो आप सीधा ही उनको लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, और पीपल काफ़ी फ्रेंडली होते हैं यहाँ पे, तो लिंक्डइन पे बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी प्रोफेशनल मैनर में आपको वो रिप्लाई करते हैं, तो वो एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। जो यूनिवर्सिटी वाली जो ये स्ट्रीट है बीच वाली, वो सारी डेलहाउसी वालों की कह सकते हो आप, और जो बिल्डिंग दोनों साइड जो आती है यूजुअली, वो सारी एजुकेशनल बिल्डिंग्स ही है, वो डेलहाउसी वाली की है। तो काफ़ी लंबी स्ट्रीट है, तो मतलब वैसे देखा जाए तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो अभी हम गोल्डबर्ग कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग में जा रहे हैं, बीच में काफ़ी वो इंटरसेक्शन है, तो उसको क्रॉस करके जा रहे हैं। तो ध्रुव भाई, ये बताओ कि जो यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ जो रहने का सीन होता है, जो लिविंग, तो वो आप कैसे मतलब सजेस्ट करोगे किसी को, ऑन कैंपस रहना चाहिए, ऑफ कैंपस रहना चाहिए, या फिर मतलब कैसे है यहाँ पे? तो अगर बजट का कोई सीन नहीं है आपका, कि अगर आपके बजट में है तो यू कैन ऑफ फॉर ऑन कैंपस। हाँ, वो आपको थोड़ा ऑफ कैंपस से महंगा मिलेगा, लेकिन, या, obviously. लेकिन इंडिया से जो यहाँ पढ़ाई करने आते हैं उनको बजट का थोड़ा इश्यू रहता है, वो सोचते हैं कि जितना कम हो सके उतना खर्चा करें, क्योंकि पार्ट टाइम ही जॉब करते होते हैं, तो खर्चे वो थोड़े मैनेज हो जाते हैं। तो मोस्टली लोग ऑफ कैंपस में रहना प्रीफर करते हैं, और मैं तो कहूँगा ऑफ कैंपस ही रहने में थोड़ा मजा आता है, क्योंकि काफी लोगों से मिलना जुलना होता है, रेस्ट्रिक्शन कम होता है, जितने बजे सोना है ये वगैरह, बाहर जाना, किसी को बुलाना घर पे, हाँ ये वगैरह, तो ऑफ कैंपस ही सही रहेगा। और लिविंग एक्सपेंस मतलब कैसे होता है, मतलब वो जो रहने के होते हैं? अगर अभी तो हैलिफैक्स में लिविंग एक्सपेंस बहुत है, पूरे कनाडा में मैं कहूँगा लिविंग एक्सपेंस बहुत हो गया, लेकिन अगर आपको पुरानी लीज मिल जाती है यहाँ पे, हाँ, तो आपको आपका लिविंग एक्सपेंस बहुत कम रहेगा। मेरा अभी पर्सनली मैं अभी 320 के अराउंड दे रहा हूँ, बस सिर्फ 320, क्योंकि हमारी लीज पुरानी है। अच्छा, सही है, ध्रुविल भाई मेरे से बहुत कम पे करते हैं रेंट, ये काफ़ी अच्छा जुगाड़ लगाया हुआ है इन्होंने, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है ध्रुविल भाई ने पॉइंट आउट की, कि यहाँ पे मतलब प्रीफर करो कि मतलब नई लीज शुरुआत करोगे तो बहुत महंगी होगी, जो कोई पहले से बंदे रह रहे हैं, जैसे 1-2 साल से रह रहे हैं, उनसे मतलब उनके साथ ही रहने चले जाओ, या फिर उनके साथ ही ढूंढ लो, तो क्या होता है कि उनकी जो पहले लीज कम होती है, मतलब लीज की वो जो 2-3 साल पहले ली होती है, तो उसके हिसाब से ही रेंट होता है यहाँ पे, तो वो ज्यादा रेंट इंक्रीज नहीं हुआ होता। अभी नई लीज का तो बहुत महंगा है, नई लीज का तो बहुत महंगा है, आपको सेम टू सेम लाइक ऑन कैंपस जितना मिलेगा उतना ही ऑफ कैंपस में आपको अगर नई लीज मिलेगी तो सेम आपका। अच्छा, हाँ ये बात तो है। तो अभी हम यूनिवर्सिटी एवेन्यू पे है, तो यहाँ पे एक पहली राइट साइड पे बिल्डिंग आती है, वो है स्कूल लॉ की, स्कूल ऑफ लॉ, तो ये भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो उसके पास में जो दूसरी बिल्डिंग जो आप देख सकते हो उधर, वो है डेलहाउसी आर्ट सेंटर, तो वो भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। और यहाँ पे अभी हम जाने वाले वो है गोल्डबर्ग कंप्यूटर साइंस, तो ये बिल्डिंग में अभी वो सारे वो लैब वगैरह होती है कंप्यूटर स्टूडेंट्स की, आईटी वाले स्टूडेंट की, तो ध्रुविल भाई ने यहाँ पे स्टडी किया है, तो ये यहाँ पे बहुत आते थे, तो यहाँ पे अभी हम वो दिखा रहे हैं अपना क्लासरूम वगैरह।
अच्छा, यहाँ से जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे वो पूरा क्लासरूम है, तो अभी हम ये क्लासरूम तो ओपन नहीं करेंगे, कहीं इसका सिक्योरिटी का अलार्म कहीं ना बज जाए। तो यहाँ पे आपके क्लासेस होते थे दुबे भाई? इसी में हाँ, लैब्स हमारी नेक्स्ट क्लास में होती थी, लेक्चर्स हमारे इस वाले क्लास में। अच्छा, होते हैं मोस्टली। तो और ये नेक्स्ट वाला है, यहाँ बैठने की भी काफ़ी सारी अच्छी जगह है, तो मतलब अगर असाइनमेंट्स वगैरह करने हैं तो यहाँ पे आप शांति से बैठ के मज़े ले सकते हो। नेक्स्ट वाला है, इसमें हमारी लैब्स होती है मोस्टली। तो यहाँ पे अभी काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये वाली मैनेजमेंट बिल्डिंग है, मोस्टली एमबीए स्टूडेंट्स की क्लासेस और वगैरह इस बिल्डिंग में होती है। एक दो बार हमारी टेस्ट भी इस बिल्डिंग में हुई है, कभी कभी हमारी क्लासेस फ्री नहीं होती तो वो इसमें हमारी क्विज या मिड टर्म ऐसे एग्जाम। अच्छा, ऐसा भी होता है यहाँ पे कि फुल भी हो जाता है क्लासेस? ये वाली बिल्डिंग है डेलाउज़ी स्टूडेंट यूनियन, तो मोस्टली इस बिल्डिंग में कैफेटेरिया, स्टडी की जगह, अच्छा लोग बैठ सकते हैं शांति से, बैठ सकते हैं, असाइनमेंट वगैरह हो तो इस बिल्डिंग में आ सकते हैं। और ये सामने वाली बिल्डिंग है आर्ट्स एंड सोशल साइंस बिल्डिंग, तो मोस्टली आर्ट्स वगैरह आपने लिया है तो उसकी क्लासेस इसमें होगी आपकी। अच्छा, सही है। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि हम अभी यूनिवर्सिटी एवेन्यू पे ही आगे आगे आ रहे हैं, काफ़ी लंबी है, तो अभी हम आगे मतलब किल्लम लाइब्रेरी है हम इस ओर, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और है कि आपको यूनिवर्सिटी में ही आपका बस स्टॉप है, तो अगर यहाँ पे बस आती है आपको अगर घर जाना है या आना है यूनिवर्सिटी, तो बहुत ईजी रहेगा क्योंकि बस स्टॉप इधर ही है यूनिवर्सिटी। अच्छा, ज़्यादा डर नहीं रहेगा। और वो वाली बिल्डिंग है, वो है ये वाली इंटरनेशनल सेंटर। हाँ, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। प्रॉब्लम मतलब कैसे कैसे मतलब? अगर आपको कितने आवर्स आप वर्क कर सकते हो, या अगर आपको फ्लाई करना है आउटसाइड कैनेडा ड्यूरिंग योर स्टडी, तो आपको NOC चाहिए होता है यूनिवर्सिटी से, तो वो सब लेने के लिए भी आप इंटरनेशनल सेंटर जा सकते हो, वो आपको ठीक से गाइड करेंगे कि क्या करना होता है क्या नहीं। अच्छा, तो मतलब अगर बाहर जाना होता है तो मतलब ऐसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? हाँ, NOC आपको लेना पड़ता है, अभी IRCC का नया। और ये वाला है वो डेलाउज़ी सिक्योरिटी। अच्छा, ये सिक्योरिटी सर्विसेज है। हाँ, अगर आपको कोई बस आगे ही आगे, कोई चक्कर नहीं है। तो उसमें किस लिए जाते होते हैं यूजुअली? सिक्योरिटी, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जैसे अभी हम गए थे अलार्म बजा था। हाँ, तो हमने कॉल किया तो यहाँ से ही वो बंदा आया होगा अलार्म वाला। और क्या कहते हैं, आप जो इंटरनेशनल सेंटर है आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो उन्हें कि जैसे आवर्स वगैरह होते हैं, राइट? कई बार कई बच्चों को 30 आवर्स, 20 आवर्स या 40 आवर्स, कितने घंटे काम कर सकते हैं, या कुछ भी मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, हम वहाँ जाके उसकी इंफॉर्मेशन की क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट यूनियन है। और यहाँ पे खाना खाने और शांति से पढ़ाई करने के लिए तो बहुत सारी जगह है, मतलब हर एक बिल्डिंग में भर भर के जगह है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे जब ग्रेजुएट हो गए तो उसके बाद जो कोऑप एंड इंटर्नशिप के होते हैं, तो उसके लिए प्रोफेसर एंड डेलाउज़ी यूनिवर्सिटी सब हेल्प करती है जॉब ढूंढने में या? हाँ, तो कोऑप का ऐसा सीन है कि मैंने जो अभी कोर्स कर रहा हूँ मास्टर ऑफ अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, वो कोऑप एक स्ट्रीम है जो प्रोवाइड करती है कि आपको कोऑप करना पड़ेगा टू कंप्लीट द कोर्स, तो आपका लास्ट टर्म होगा वो कोऑप होगा। तो मोस्टली यहाँ पे कंपनीज आती है जैसे CRA वगैरह, CRA हाँ, वो यहाँ से इंटरव्यूज बहुत लेती है बच्चों का, और बहुत मास हायरिंग करते हैं। हाँ, मास हायरिंग करते हैं वो,
और एज पर द करंट मार्केट अभी थोड़ा ठंडा है ऑल ओवर द कनाडा आईटी का मार्केट, तो अभी बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है कोऑप ढूंढने में। मुझे अभी नेक्स्ट टर्म में कोऑप करनी है, तो मेरी स्टार्ट कोऑप सर्चिंग वो सब नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट होगी। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको एक्स्ट्रा कोर्स नहीं मिला और वो इस टर्म में अभी कोऑप ढूंढ रहे हैं, और कुछ को मिली है, अच्छा अभी नहीं मिली तो वो अभी भी रेगुलरली ढूंढ रहे हैं। तो आपको अगर कोऑप चाहिए तो आप अगर ठीक से पढ़ोगे, ग्रेड्स अच्छे आपके, तो इंटरव्यू का चांस बनेगा, बन जाएगा, मतलब चांस है। हाँ, चांस बनेगा वाली बात नहीं। और अगर आपको ऑन कैंपस से अगर कोऑप आपको डेलहाउज़ी वाले जो कंपनीज वो इंटरव्यू नहीं लेती, तो आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो कोऑप में। कुछ क्राइटेरिया है जो मैच करने पड़ते हैं आपको कि एलिजिबल कोऑप है आपकी, अगर आप बाहर से ढूंढते हो, और अगर वो क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो आप वहाँ पे कोऑप कर सकते हो और डेल आउट भी। और ऐसा नहीं है आपको सिर्फ हैलिफैक्स में कोऑप ढूंढनी है, आप ऑल ओवर द कनाडा कहीं भी कोऑप कर सकते हो। तो काफ़ी ऑप्शन खुल जाते हैं, ऑप्शन खुल जाते हैं आपके। अच्छा, लेकिन अगर पीआर के लिए है तो थोड़ा वो लोग प्रीफर करते हैं कि हैलिफैक्स में कोऑप मिल जाए तो पीआर इजीली हो जाए। तो ये सारी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है मैप में कि बिल्डिंग में क्या 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 होता है, तो कौन सी बिल्डिंग में हमें जाना है और मैप उसका क्या है। तो एक बहुत अच्छी जगह है सारी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि कौन कौन सी बिल्डिंग में कौन कौन सी क्लासेस या चीज़ें होती है। यहाँ पे किल्लम लाइब्रेरी के पीछे ही बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन कैंपस हाउसिंग है। ये सारा जो आप देख रहे हो वो ऑन कैंपस हाउसिंग है। और यहाँ पे जो मेन बिल्डिंग के सामने हर एक लैंग्वेज में वेलकम वेलकम लिखा हुआ है गुजराती। ओ वाओ मैन, गुजराती में भी लिखा हुआ है स्वागत छे। और ये आई थिंक पंजाबी में लिखा है, हिंदी हिंदी में भी लिखा है स्वागतम स्वागत। और ये मेन बिल्डिंग है राइट? या दिस द मेन बिल्डिंग ऑफ द कैंपस। तो ब्रदर यहाँ पे फिर ग्रॉसरी का कैसे सीन है, मतलब ग्रॉसरी आसपास मिल जाती है आपके हिसाब से? अब हैलिफैक्स एक छोटा सिटी है। हाँ। तो आपको इंडियन स्टोर्स आसपास मिल जाएंगे, इंडियन आपको रेस्टोरेंट्स आसपास मिल जाएंगे, तो ग्रॉसरीज का कोई ऐसा इश्यू नहीं रहेगा। आपको इंडियन नाश्ता चाहिए तो वो आप वॉलमार्ट से ले सकते हो। अच्छा, वो वॉलमार्ट पे मिलता है। बिग ब्रदर्स करके एक स्टोर है, बॉम्बे स्पाइस है, बहुत है, बहुत इजीली मिल जाता है कम से कम इंडियन। और फिर अगर ऑन कैंपस की अगर किसी को जॉब करनी है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, मतलब ऑन कैंपस? अभी मैं ऑफ कैंपस जॉब कर रहा हूँ, लेकिन ऑन कैंपस के लिए भी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑन कैंपस भी जॉब करते हैं। अच्छा। टीएस वगैरह जैसे टीचिंग असिस्टेंट हो गए, प्रोफेसर अच्छा। को चाहिए होता है 3-4 टीचिंग असिस्टेंट पर कोर्स, तो वो कर सकते हैं। उनकी पे थोड़ी ज्यादा होती है राइट? उनकी पे अच्छी होती है यस। वो हर एक टर्म का पे करता है कि एक टर्म में आपको इतना मिलेगा, और आपको सैलरी पैकेज हो गया, सैलरी पैकेज जैसा। फिर डालप्लेक्स सेंटर है जहाँ पे जिम वगैरह है, तो उनको भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे भी बच्चे जॉब करते हैं। तो उसके लिए कहाँ पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके अप्लाई करना पड़ता है? डेलहाउज़ी करियर्स करके एक वेब पेज है, तो उसमें आपको सब एप्लीकेशंस मिल जाएगी जॉब की, जो जो रिक्वायरमेंट है वो। अच्छा, सही है सही है सही है। तो अभी चलो आओ रिक्रिएशनल सेंटर की टूर करते हैं डालप्लेक्स की। यहाँ पे डालहाउज़ी के मेन बिल्डिंग के एग्जिट पीछे ही सॉकर फील्ड है, काफ़ी बढ़िया है, 3 सॉकर फील्ड्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यूजुअली बुकिंग करवानी पड़ती है इसको, और आई थिंक ऐसा कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं है इस पर कुछ बुक कराने के लिए, लेकिन ज़्यादातर अगर समर की शाम नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एम्प्टी होती है, तो कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप नहीं खेल सकते वगैरह। लेकिन अगर कोई खेल रहा है तो फिर आपको मतलब थोड़ा मुँह आउट होना पड़ेगा क्योंकि आपने बुकिंग नहीं की है,
तो मुझे इसकी पता नहीं है बुकिंग की प्रोसेस, क्योंकि हमने कभी करवाई नहीं है, लेकिन मुझे सुनने में आया था ऐसे कुछ $80 पर आवर है ये एक फील्ड के, मतलब ऐसे तीन फील्ड है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, तो एक फील्ड के पर आवर के $80 है। ये इन्फॉर्मेशन कुछ पक्की नहीं है, तो मैं किसी को पूछ के बताऊँगा कि ये कितना पक्का है, लेकिन और ऐसा नहीं है कि आपको मतलब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही यहाँ पर आके खेल सकते हैं, बाहर से भी कोई आके खेल सकता है। मैं भी 2-3 बार आके यहाँ पे सॉकर खेल रहा था, तो मतलब कुछ ऐसी कुछ खास बात नहीं है, कभी भी मतलब आपको टाइम लगे, वेदर अच्छा है तो आप यहाँ पे आके खेल सकते हो। तो अभी हम डेलप्लेक्स आ गए, जो सॉकर फील्ड है उसके एग्जैक्ट सामने डेलप्लेक्स है। तो धोबी भाई, यहाँ पे डेलप्लेक्स में कौन कौन सी फैसिलिटीज है? डेलप्लेक्स में आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा, स्विमिंग पूल, जिम, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, जो भी एथलेटिक्स के हिसाब से जो भी सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है वो सारी यहीं पे होती है, तो ये अच्छी बात है। और उनके लिए कुछ मेंबरशिप वगैरह देनी पड़ती है कि स्टूडेंट फीस में ही कवर होता है? स्टूडेंट फीस में ही वो कवर हो जाती है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए मेंबरशिप फीस है, जो बाहर के लोग इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं डेलप्लेक्स की। अच्छा। ताकि अगर आप स्टूडेंट आप स्टडी कर रहे हैं तो आपकी फीस में सब कवर हो जाता है। ओके, सही है सही है। हमने अंदर अंदर क्या कहते हैं डेलप्लेक्स के अंदर शूट करने का सोचा था, लेकिन एज यूजल यहाँ पे वो कंसेंट नहीं होती, वो जिम वगैरह में लोग अपने कंफर्टेबल में होता है, तो इसलिए हम अंदर शूट नहीं कर पाए। तो फिर थैंक यू सो मच ध्रुवी भाई, आज आपने पूरी डेलहाउसी यूनिवर्सिटी का टूर कराया हमें, काफ़ी चल के बहुत चलना पड़ा था क्योंकि काफ़ी बड़ा है जो यूनिवर्सिटी एवेन्यू है, तो हमें एक एक बिल्डिंग घूमी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप में से भी आपके किसी कॉन्टैक्ट में से कोई डेलहाउसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता लगे कि वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहा है वो यूनिवर्सिटी कैसी है। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, ज़रूर बोलिएगा, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन।